सो मेनी क्यूरीज आर देयर। हाय गाइस, वेलकम बैक। और देखो सारे उधर वाली बालकनी में चले गए भाग के, और आज तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स के आए हैं। बहुत ज्यादा बारिश हुई है, अगर आप देख सकते हो सुबह अभी पूरी बारिश हो रही थी, माहौल पूरा मतलब वो क्लाउडी सा हो गया है। और सौरभ वेलकम बैक टू रिच एंड सौरभ। तो एक्चुअली ये पानी मैंने सौरभ के लिए लिया था और मैं बाहर चली गई, ये लो गर्म है। तो आज इसने सबसे बढ़िया किया, सुबह उठ के गाइस उठ के सबसे पहले पापा के साथ वॉक करके आया है बारिश में, और कितना पूरा एक घंटा चल के आया है, मजा आ गया। साथ में कॉलर भी लेके आया है दो दो नीचे से रिसेप्शन से। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप फाइनली कॉलर उठा के लेके आए। वो बंदा तीन दिन से बोला था कि भाई कॉलर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सुबह एक तो गरम गरम पानी पीने का ना मजे बढ़ाता है। और जो पता क्या हुआ है कि यहाँ पर ना मैं टेनिस खेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो ना आजकल बारिश का मौसम भी चला है हल्का फुल्का, और शाम को टाइम भी नहीं मिलता फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया हुआ, शाम का स्पोर्ट्स की जगह पे सीटी बज गई। ये गाइस इधर बन रहे हैं, ये इसको बंद कर देते हैं राजमा। और मम्मी ने आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बड़े कुछ बनाया, तो चावल है दोपहर के लिए। और ये देखिए, ये है ये है आटा, और ये है मेथी। आज मेथी वाली रोटियां बन रही है, तुम्हें पता है मेरे जो वर्कआउट की जो प्लान था वो कंटिन्यू सिटी ने खराब कर दिया। हाँ, तो शाम को खेल नहीं पा रहा ना, तो इसके लिए क्या क्या हुआ, मैं और पापा सुबह आजकल जाते हैं रोज सुबह 1 से 1.5 घंटा वॉक करने जाते हैं पार्क में। और पूरा का पूरा मैंने आज स्टेप देखी है, 6,000 स्टेप कर चुके हैं सुबह सुबह ही, और शाम को घूमने जाना ही है। तो मतलब पूरे अपने 12 से 14,000 कदम रोज के हमने करने ही करने हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि पापा भी जब हम इंडिया में होते हैं हमारे होम टाउन में, वो लोग सुबह सुबह जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ के वॉक करने। और इस सौरभ ने भी वो रूटीन स्टार्ट कर दी है, ताकि 5 बजे नहीं जाता। हाँ, ये लोग 7 बजे जाते हैं, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या फिर जब भी घर में होता है एटलीस्ट, क्योंकि अभी आजकल इसका ट्रेवल भी चल रहा है। तो आई एम सुपर हैप्पी कि आप दोनों जाते हो और अपना टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज करते हो। पापा नहीं तो बैठ गए यहाँ पर टीवी लगा लेते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है। तो मैंने बोला तुम वॉक शुरू करो, मूवी लगा लेते हैं, ऐसी मूवीज जो देख नहीं जाती, फूल और कांटे, क्या क्या नाम हमने कभी सुने भी नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। पर ठीक है, वो उनका टाइम था यार, उनका इरा था, हमारा इरा अलग है। उनको आजकल के हीरोज नहीं पता, हीरोइंस नहीं पता, तभी तो उनको थिएटर में लेके गए तो वो उठ के भाग आए कि मैं तो जा रहा हूँ। ये बेनिफिट हो गया कि मम्मी बनाने वाले हैं मेथी वाले पराठे, तो अब पराठे का भी कोई टेंशन नहीं, मतलब पराठे भी खा सकता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज कर ली है। हाँ, बाकी थोड़ा सा मेंटेन करते हैं कि भाई तलो ना, उसके ऊपर हल्का सा जैसे बटर मतलब लेयर लगाते हैं कि लगे पराठा है। और आज हमारे घर में बेसिकली होने वाला है इंडियन, टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट इन UK, पंजाबी स्टाइल में। यही टैगलाइन भी होनी चाहिए हमारी, पंजाबी स्टाइल इंडियन ब्रेकफास्ट इन UK, मम्मी के हाथ की बनी हुई परांठा। सही है ना टाइटल, टाइटल बैठे बैठे ढूंढ लिया मैंने। तो मैडम जी यहाँ पर जूते ओपन कर रहे हैं, अरे 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 मुझे लग रहा है मेरे सही नहीं आए, मैंने ऐसे किसी वेबसाइट से मंगवाए थे, मुझे अच्छे लगे, मेरे लगता 20 पाउंड गए। चल कोई नहीं, कई बार एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ऑनलाइन वैसे चीजें ना हमेशा सही नहीं होती है, ऐसा भी है। वापस का भी क्या सीन होगा, ये इसकी रिटर्न पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी क्या है। मैंने ऐसी किसी वेबसाइट ओपन चल रही थी, जैसे वो आते नहीं, वो इंस्टाग्राम पे ऐड आती थी ना, वहां से इस्तेमाल कर दिया, मन लगा बाद में मुझे अफसोस हुआ कि पता नहीं यार कैसे होंगे। लेट्स सी, देखो भी देखो अच्छे तो लग रहे हैं, बट साइज मुझे छोटा लग रहा है मेरा। जूते तो रिचा ठीक लगन दे यार, साइज मुझे छोटा लग रहा है। शूज तो निकले छोटे, तो अब इस ट्राई करते हैं, अगर उनको पूरी आगे तो ब्रेक इन, हां क्योंकि उनका साइज इससे एक नंबर छोटा है, तो उनको आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से तो सही साइज मंगाया है, पता नहीं, अरे ऑनलाइन ऐसे ही होता है। भाई सस्पेंस क्रिएट किया गया, अभी तक खोला नहीं जा रहा, ये देखो अभी तक बता नहीं रही है यहाँ पर क्या है। तो ये यहाँ पर वॉइस ने कूलिंग, कंफर्टर, मैट्रेस प्रोटेक्टर, और एक और चीज है ब्लैंकेट, कूलिंग ब्लैंकेट है, कूलिंग मैट्रेस प्रोटेक्टर है, ठीक है, और ये है कूलिंग कंफर्ट, पता नहीं क्या है, हम ट्राई करने वाले हैं, तो विल ओपन इट थोड़ी देर बाद। हाँ, क्योंकि अभी हमें भूख लग रही है, हम नहा धो के एक बार रेडी हो जाते हैं। हाँ, सुबह के 9 भी बज चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं, सामान को यहाँ पे रख दे। और इसके साथ ना आपको पता है गाइस, आजकल हम लोग अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पूरा फोकस कर रहे हैं,
इंडियन खाना भी खा रहे हैं, पंजाबी खाना भी खा रहे हैं, साथ में ना वर्ल्ड फूड भी खा रहे हैं, मतलब नई नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मम्मी पापा को भी करवा रहे हैं क्योंकि वो हमें अपना ट्रेडिशनल फूड खिलाते हैं, हम उनको कुछ फ्यूजन खिलाते हैं, हम उनको अपना फ्यूजन फूड खाते हैं। तो इसीलिए ना गाइस हमने क्या कि हमने ना स्किल शेयर से एक ऑनलाइन कोर्स किया है। स्किल शेयर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। स्किल शेयर ना गाइस ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसमें 1000 प्लस क्लासेस हैं और ये 150 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। तो इसके लिए हम दोनों ने क्लास ली जो थी कि कुक लाइक अ शेफ बाय एलेक्स गैब्रियल, जो सौरभ को तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये तो आजकल कहते ना शेफ वाली पूरी चीजें करता है। और इसमें ना गाइस बहुत तरह के कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको फोटोग्राफी कोर्स करना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी को बिजनेस शुरू करना है, किसी को अपना जो भी अपनी लाइफ में ड्रीम है ना आप इसमें जाके अपना सर्च करिए और अपना कोर्स सिलेक्ट करके उसको कर सकते हो। और गाइस हमने ना एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो भी इस लिंक को यूज करेगा ना फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा उनको स्किल शेयर यूज करने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और ज्यादा मतलब महंगा भी नहीं है। इसका कॉस्ट है 1800 रुपीज फॉर होल ईयर, तो 150 रुपए पर मंथ है, उतने में तो पिज्जा पिज्जा भी आ जाता है यार। तो द बेस्ट पार्ट इज कि जो भी यहाँ पे जो क्लासेस या कोर्सेज ले रहे हैं ना वो अपने फील्ड में ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। कोई अगर कोई आईटी फील्ड है तो उनका एक्सपर्ट होगा, कोई यूट्यूबर है तो वो भी वहाँ पे एक्सपर्ट होगा। नहा धो के रेडी हो गए हैं, वॉशरूम भी क्लीन कर दिया अच्छे से, तो अभी हम देखते हैं कि मम्मी जी ने जो है टिपिकल पंजाबी इंडियन ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर लिया है, कैसा बना है पराठा हमारा। यहाँ पे आरती हो चुकी है और मम्मी जी बनाने लगे हैं पराठे। ये है मेथी और आटा गुना है, आज चाय बना रही हूँ मैं और मम्मी अभी कच्चे पराठे निकाल रहे हैं, जैसे होता है ना हमारे, फिर जब गर्मा गर्म खाने बैठेंगे तो बढ़िया तेल से तल तल के। ये सबसे पहला परांठा जाएगा भगवान जी को भोग के लिए। ये लो जी आरती दे देना मुझे। तो ये वाला परांठा ना मैंने बनवाया मम्मी को बोल के पतला वाला बिल्कुल, और ये देखो मम्मी की हेल्प कर ली है, ऐसे तो इसने कोई काम नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया, और एंड में ना फाइनल क्रेडिट लेने आ गया कि चाय में दूध डाल दिया। नहीं मैं ये अभी सबको तल तल के खिलाऊंगी, तो मम्मी ने कच्ची रोटियां निकाली हैं और अच्छा पका के मैं दूंगी। हाँ, और क्रेडिट तू ले जाएगी सारा के मैंने तो दिया, मैंने मम्मी को बोली मम्मी बना रहे हैं। लो जी माता जी शक्ल एक बार वैसे कम से कम इंडिया में लास्ट कब खाया था परांठा, ये अक्टूबर में खाया था, तो आज जून चल रहा है परांठा, मतलब पूरे 8 महीने बाद खाने वाले हैं। तो भैया जब भी मिले खा लो फटाफट, फायदा उठा लेना चाहिए। हाँ, बाकी हम फ्रोजन पराठे तो खाते ही, आपने देखा ही होगा कितनी बार टेस्टी हो जाते हैं। हाँ, तो भाई दही निकाल लेते हैं, वैसे फ्रिज का पूरा भरमार रखे हुए सामान की। तुम्हें चाहिए दही पराठे के साथ? ये लो जी दे लो। सबसे पहले सौरभ ने मारा कि चल सबसे पहले मैं ले लूं, पापा भी पूजा कर रहे हैं। चलो भाई इसको करते हैं बंद। अभी जी पापा जी भी आ चुके हैं। पापा जी इंडियन ब्रेकफास्ट फॉर यू, मेथी पराठा विद बटर एंड दही। आज खुश हो रहे पापा ने, आज पापा का दिल बाग बाग होना वै। फाइनली इंडियन ब्रेकफास्ट बज गए यहाँ पे। पापा जी तो पराठे खा के तब से सोए हुए हैं, टीवी चल रहा है उनका, और बाकी लोगों को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। हाँ जी पराठे खा के सबको बढ़िया नींद आ गई है। और मम्मी का टावल तो वहीं पे रहते हैं, जो देखो मम्मी जी बाहर गिर जाने किसी दिन। तो वही क्या प्लान है अभी? प्लान ये है कि आज फ्री बर्गर मिल रहे हैं, जाके लेके आ सकते हो। आज खाने में ना, आज तो मेरा मन है। ठीक है, हाँ साथ में पी लेंगे कॉफी उसकी, कैफे नीरो। आज हम मम्मी पापा को पिलाने वाले हैं टर्की की बढ़िया चाय, और ये है रिलैक्सिंग टी। तो ये रहे हमारे टर्की के सुंदर सुंदर ग्लास पिंक कलर के। तो मम्मी जी पी के बताइए कैसे लगी? हमें भी भूल गया था कि हमारे पास ये कप पड़े हुए। पापा ने नहीं पीनी, पापा आप पियोगे? देख लो पापा जी different. थोड़ा क्या मतलब डिफरेंट लगेगा आपको, मतलब चीनी अभी पी के ना थोड़ा टेस्ट होता है ये रिलैक्सिंग टी और मूवी बड़ी अच्छी है, एक बार बैठ जाओ देखने तो बंदा एंड तक देखता ही देखता है। तो शाम हो चुकी है, मैं और पापा को मैं बाहर लेके आया वॉक करते हुए, और मैंने सोचा है कि चलो यार यहाँ पर मंदिर है हमारे घर के पास सिद्धि आश्रम शक्ति सेंटर, और ये देखिए ये वाला मंदिर है, पापा को साथ में लेके आया हूँ मंदिर में। और ये वाला मंदिर है ना, ये है शिव जी का मंदिर, और यहाँ पर सारे भगवान जी हैं।
अभी मंदिर से घर आ चुके हैं और यहाँ पर इसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया ना, हम वहाँ पर मंदिर में वेट करते रहे और ये वहाँ से निकल ही गई। हेलो और ये देखो यहाँ पे घर पे आज भर रहे पकौड़े, ये कौन से बैंगन के और बेसन के पकौड़े। मम्मा दी प्याज वाले ही बोलिया हीगा, प्याज वाले भी खाने के है। आज सुबह से ना पूरा दिन इंडियन फीलिंग आ रही है। वैसे हमारे घर में कोई फ्राइड चीज नहीं बनती, सिर्फ बनाते हम तब जब कंजके होती है पूरी, लेकिन अब आजकल पूरा फ्राइड चल रहा है। वाह जी वाह, ये पहले जाएंगे भोग के लिए और इधर मेरे को ना अच्छे लग रहे हैं मम्मा जी, यमी यमी। ये तो सौरभ भी चेक करेंगे, सौरभ जिसको ना नमक समझ आती है ना मसाला समझ आती है। नहीं वो बात तो चाट मसाला। यहाँ पे एक ना बिल्कुल चाय का कप, पकोड़े और बारिश होनी चाहिए तो मजा ही आ जाए। चाय तो तुम यार सुबह से तुमने दो बार तीन बार चाय पी ली है, अब नहीं। मैंने देखा अपने अंतरात्मा से देखा, तुमको अंतरात्मा से देखा है। मौसम अच्छा हो रखा है, मतलब गर्मी में गर्मी लग ही नहीं रही, जैकेट पहनी हुई है, किसी भी एंगल से गर्मियां लग रही है। टेम्परेचर सिर्फ 14 डिग्री है, सिर्फ 14। और वो रात को भी 3-4 डिग्री पहुंच जाता है जब रजाइयां लेनी पड़ती है। एक लैपटॉप, दो तीन, क्या कर रही है ऐसे कौन से तुम? कोडिंग कर रही हूँ। कोडिंग, ऐसे कौन सी कोडिंग? ये तो मैं भी नहीं करता हूँ तीन तीन लैपटॉप के साथ। ओके तो गाइस अभी ना हम डिनर करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत काम घर में फिनिश कर ले और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। मैं बोलने वाला था आपसे विदा लेते हैं, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारे साथ एंड लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज विच एंड सौरभ। बाय।